आलू का नाश्ता बनाने के लिए हमने 3 बॉयल किया हुआ आलू लिए हैं, एक कटोरी बेसन, एक मीडियम साइज का प्याज, उसे हम इस तरह से बारीक काट लिए हैं, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, उसको हम इस तरह से बारीक काट लिए हैं, नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आवश्यकता अनुसार तेल। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन में बेसन को डाल देते हैं, अजवाइन को भी इस तरह से हाथ से क्रश करके डाल देते हैं, इससे खुशबू अच्छी आती है। अदरक, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, प्याज, आवश्यकता अनुसार नमक, नमक इसमें हम आधा छोटा चम्मच डाल रहे हैं, और आलू को हम कद्दूकस कर लिए हैं, इसे भी हम मिला लेते हैं, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसका घोल हम तैयार कर लिए हैं। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में हम तेल को डाल दिए हैं, तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इस तरह से इसका हम बैटर को डालेंगे। और इसे हम अब हम पलट देते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरह से सॉफ्ट और फूला फूला लग रहा है। बेसन को जितना ही फेंटिएगा उतना ही अच्छा पकौड़ी बनकर तैयार होगा। और इधर से भी हम इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं। इधर से भी अच्छी तरह से तल चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और बाकी जो बचा घोल है उसे भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। आलू स्नैक को सर्व कर चुके हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए।